नमस्कार दोस्तों, रेडी डेस्क से आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आ गए हैं जो आज से कुछ ही साल पहले घटी और इतने खतरनाक तरीके से घटी कि इस कहानी से जो कोई भी जुड़ा है उसके पैरों तले जमीन निकल गई। इसी तरह से आज भी आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी दोस्तों, जब आप लोगों को ये घटना की जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरू से जानने की कोशिश करते हैं कि किसके साथ कैसे कभी ये कहानी घटी थी। जिया की जुबानी, ये जो घटना घटी थी ये 2017 में घटी थी और ये दीप्ति नाम की लड़की साथ घटी थी जो कि गोवा में रहती है अपने मॉम डैड के साथ और उसका स्टडी और सब कुछ गोवा में ही होता है। अच्छा, क्या होता है कि बचपन से वो गोवा में ही रही है, उसके मॉम डैड की शादी हुई थी उसके बाद से, लेकिन जो उसकी दादी है वो वसई में रहती है, यही मुंबई वसई में, और उनके दादी की जो फैमिली है वो वसई में है लेकिन पापा गोवा में स्टार्टिंग से रह रहे हैं। तो ये पैदा भी गोवा में हुई, इसकी स्टडी भी गोवा में हुआ और ये अभी 2017 में 9th क्लास में थी। और इसकी एक और आदत थी कि जब भी इसकी स्कूल की छुट्टियां होती थी ये अपनी दादी के पास वसई वापस आया करती थी घूमने के लिए, गोवा से वसई आया करती थी। हम मतलब हर साल आती थी गर्मी की छुट्टियों में, जब उसकी गर्मी की छुट्टी लगती थी। तो इस साल भी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी 2017 में जब 9th क्लास में थी, अपने सब दोस्तों के साथ बात बात करती है और बोलती है कि मैं इस बार जाने वाली हूँ और इस बार बहुत इंजॉय करने वाली हूँ। इस बार एक्चुअली दिवाली में जा रही थी। अच्छा, दिवाली में जाने वाली थी तो अपने दोस्तों को बोलती है कि मैं दिवाली में जाने वाली हूँ और मैं कम से कम 15-20 दिन रहूँगी दादी के साथ, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय करूँगी। उसके दोस्त लोग बोलते हैं फिर तो इस साल हमारे साथ दिवाली नहीं मना पाएगी, जो गोवा वाले दोस्त थे वो लोग बोलती है कि तुम लोगों के साथ मनाती हूँ हर साल, इस साल मेरी और एक बेस्ट फ्रेंड है जो वसई में रहती है जिसका नाम सृष्टि है, उसके साथ मनाऊंगी और दादी दादा और जो हमारे चाचा चाची है उनके साथ मनाऊंगी। और ये सब कुछ प्लानिंग होती है, इनकी जो टिकट होती है वो निकलती है, इसके मॉम डैड और ये मुंबई आ जाते हैं दिवाली से यही 3-4 दिन पहले। ये लोग आते हैं दिवाली के 3-4 दिन पहले, ये अपने घर वसई पहुंचती है दादी के पास। दादी के पास पहुंचती है, सब लोगों से मिलके बहुत ज्यादा खुश होती है और दादी और ज्यादा खुश होती है क्योंकि इस साल ये दिवाली अपने दादी के साथ मनाने वाली थी। तो सब लोग बहुत खुश होते हैं, ये लोग रहती है 2-3 घंटे बैठती है घर पे, दोपहर में आई थिंक 1-12 बजे पहुंच गई थी वसई। सोचती है कि इस बार मेरी दोस्त सृष्टि मुझसे मिलने नहीं आई, हर बार उसको पता चलता है उसका घर जो सृष्टि था इसे घर से 5-6 घर आ गए था। सोचती है कि हर बार मतलब मिलने आती थी, इस बार क्यों नहीं आई। उसको लगता है कि शायद बताई नहीं होगी दादी ने इसलिए नहीं आई होगी मिलने। चलो कोई बात नहीं, आज मैं अपने घर वालों साथ टाइम स्पेंड करती हूँ और उसके बाद थोड़ा आराम करती हूँ, कल मिलने चले जाऊंगी, मैं खुद चले जाऊंगी अगर नहीं आई तो। ऐसे ही सोचती है ये, खाना पीना खाती है, रात में सोती है, मस्त थकी हुई थी। दूसरे दिन सुबह जब ये उठती है तो देखती है कि यार दोपहर हो गई, मेरा लंच टाइम हो गया, मुझसे सृष्टि मिलने क्यों नहीं आई। ये इसके लिए बहुत शॉकिंग था, उसको लगा था कि इसको पता तो चले जाता कि मैं आ गई हूँ, कोई ना कोई हमारे आजू बाजू वाले उसके घर वाले सब दोस्त हैं तो सब लोग बता ही दिए होते कि आ गई है दीप्ति, जाम मिल रहे, और ये लोग बहुत बेस्ट फ्रेंड थे। उसको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है। सोचती है, दिन के 3 बज रहे थे दूसरे दिन जब वसई में आई थी उसके दूसरे दिन, सोचती है कि मैं खुद चले जाती हूँ उससे मिलने के लिए, अभी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो घर से निकलती है और उसकी सृष्टि घर पहुँचने ही वाली होती है, कुछ दूर पर रहती है तभी उसको सृष्टि आती हुई दिखाई देती है। अच्छा, वो सृष्टि को देख के बहुत खुश जाती है, सोचती कि मैं उसे मिलने जा रही थी और शायद वो भी मुझसे मिलने ही आ रही थी, नहीं अपने दिमाग में मतलब बुरे ख्यालात ला रही थी कि यार मुझसे बुरा मान गई या गुस्सा हो गई जिसकी वजह से मुझसे नहीं मिल रही है। और सृष्टि उसकी बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड थी, मतलब उन दोनों की बॉन्डिंग बचपन से ही बहुत ज्यादा थी, वो लोग फोन पे भी अक्सर बात किया करते थे। तो वो मिलती है सृष्टि से और उसको बोलती है कि यार तू मतलब आई क्यों नहीं मेरे घर पे, तुझे किसी ने बताया नहीं, मैं तुझे कब से कल से ढूंढ रही हूँ, तू अब आएगी अपन साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा खेले मिलेंगे और डिसाइड करेंगे दिवाली में हम कौन से फटाके फोड़ने वाले हैं, क्या क्या करने वाले, तू आई क्यों नहीं। तो उसको सृष्टि ना बहुत मतलब ध्यान से देखती है शॉकिंग निगाहों से और देख के हंसने लगती है और उसको गले लगा लेती है। सृष्टि बहुत खुश जाती है, मतलब कि ऐसे स्ट्रेंज जैसा बिहेव कर रही थी सृष्टि, लेकिन दीप्ति को उतना मतलब समझ में नहीं आया, सोचती कि शायद बहुत खुश हो गई है, बहुत टाइम बाद मिली है मुझसे तो इसलिए खुश हुई होगी। दोनों बात बात करते हैं उधर ही बाहर ही, बाहर बात बात करते खड़े होके और टाइम स्पेंड करते आधे एक घंटे। तो बोलती है दीप्ति कि चल एक काम कर मेरे घर चल ना, शाम को आ जाना घर पे, चलते हैं अपन घर पे, मैं कुछ कुछ चीजें लाई हूँ तेरे लिए, दिखाती हूँ, चल मेरे घर पे। तो सृष्टि बोलती है नहीं यार आज ना बहुत थकान लग रही है, घर पे थोड़ा काम था, एक काम करती हूँ मैं कल तेरे घर आती हूँ, आज नहीं आ पाऊंगी।
तो दीप्ति और सृष्टि दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं एक दो घंटे बात करने के बाद। उसके बाद घर पे जाती है, वो सोचती है कि आज पहली बार उसने मुझे अपने घर पे आने के लिए मना कर दी, ऐसा कैसे किया उसने। सोचती माइंड नहीं करती, सोचती जान दो शायद सच में काम करके थक गई होगी घर पे, दिवाली का टाइम है। तो वो दूसरा दिन वेट करती है कि मैं जो सामान लाई हूँ वो देखने के लिए सृष्टि भी घर पे आने वाली है। दोपहर के 3 बज जाते हैं, उसको पता नहीं चलता, समझ में नहीं आता कि आ क्यों नहीं रहे घर पे। मैं उसको बुलाई थी कल के मेरे घर पे आने, तेरे लिए कुछ चीजें लाई हूँ, आ क्यों नहीं रही है। तो वो बहुत शॉक्ड होती, सोचती कि मुझे ही चले जाना चाहिए उसके घर पे, जाके देखती हूँ कि आ क्यों नहीं रही है। वो अपने घर से निकलती है और कुछ दूर चलती, तभी उसको उधर से सृष्टि आते हुए दिखाई देती है। बोलती है कि क्या हुआ, तो मतलब आई क्यों नहीं, तूने बोल दोपहर में आऊंगी, आई क्यों नहीं। तो बोलती है सृष्टि कि यार मैं कुछ काम में फंस गई थी, नहीं आ पाई। तो दीप्ति बोलती है चल घर पे मैं दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ तेरे लिए। तो बोलती है नहीं यार आज मन नहीं है, बाद में चलूंगी। फिर से दीप्ति को शॉकिंग लगता है, मतलब कैसे बोल रही मन नहीं है, हम लोग बचपन से साथ में घर पे रहते हैं, साथ में खाए पिए हैं, मैं हर साल उसके लिए कुछ ना कुछ चीजें लाती हूँ तो बहुत एक्साइटेड रहती है देखने के लिए, इस बार ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, कुछ हुआ है क्या मेरे घर से उसके घर में, मतलब कुछ लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई है, क्योंकि ये लोग फैमिली फ्रेंड थे। तो उसको ऐसा लगता है शायद हो सकता है दादी ने कुछ बोला होगा उसके घर पे, या कुछ तो लड़ाई हुई हो जिसकी वजह से घर पे नहीं आ रही है। इतना माइंड नहीं करती, 2-3 घंटे उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, ऐसे घूमते उमते बात बात करते हैं, उसके बाद आ जाती है दीप्ति अपने घर पे। अभी आता है सीधा दिन दिवाली का, दिवाली के दिन भी देखती है कि वो मेरे घर पे नहीं आई सृष्टि। अभी उसके लिए और शॉकिंग था कि मैं घर पे आ क्यों नहीं रही है। वो अपने दादी से पूछने ही वाली थी, तभी उसको क्या दिखाया था अपने गेट से, देखती है कि मुझे सृष्टि दूर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो वो सोचती है कि मैं इसके बारे में सोच रही, दादी से पूछने ही वाली, तब तो दिखाई दे रही, काम करती मैं खुद जाके बात कर लेती हूँ कि तू घर पे क्यों नहीं आ रही है, और मुझे बुलाने भी नहीं आएगी, तेरे घर पे चलो कुछ चीजें बनी होंगी, खाएंगे पियेंगे अपन। तो कुछ नहीं बोलती है। उस दिन थोड़ी सी उदास टाइप भी लग रही थी सृष्टि, और थोड़ी खुश भी लग रही थी, मिक्स्ड फीलिंग थी उसकी। तो उससे दीप्ति बात बोलती फटाके सब फोड़ते मजा आएगा, तो सृष्टि मना कर देती है, पहली बार फटाके फोड़ने से मना करती है। बोलती क्या हुआ, तो फटाके भी नहीं फोड़ रही है, घर पे भी नहीं आई, मैं तेरे लिए चीजें लाई हूँ, ना अपने घर पे मेरे को लेके चल रही है, ना मेरे घर पे आ रही है, मतलब चल क्या रहा है तेरे दिमाग में। सृष्टि एक वर्ड नहीं बोलती है, कुछ भी नहीं बोलती है। तो दीप्ति को गुस्सा आता है अभी कि ऐसा क्यों रिएक्ट करे मेरे साथ, बचपन से हम लोग बेस्ट फ्रेंड है, ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। तो फिर उसके बाद बोलती है दीप्ति चल रही कि नहीं मेरे घर पे, तो सृष्टि बोलती है नहीं नहीं चलूंगी। तो उसको बहुत गुस्सा आता है, उसको वहीं पे छोड़ती है दीप्ति और अपने घर पे चली आती है। घर पे आती है, जो दूसरे भाई बहन थे मम्मी पापा उनके साथ फटाके उठा के फोड़ती है, दिवाली सेलिब्रेट करती है, उसके बाद घर पे चली जाती है। सोचती है मैं सुबह सुबह दादी से पूछूंगी कि क्या मैटर क्या है, मेरे से बात क्यों नहीं कर रही, क्या प्रॉब्लम हो गई। वो ये सब सोचती है, लेकिन कुछ ना कुछ काम में फंस जाती है, समझ में नहीं आता है, दादी से पूछती नहीं है। दिवाली की सुबह जो होती है उस दिन सोचती है कि आज मैं काम करती हूँ, डायरेक्ट उसके घर पे ही जाती हूँ और पूछ लेती हूँ मैटर क्या है, तू मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। वो खाना वाना खाती है, दोपहर के 1-2 बजे उसके घर जाने के लिए निकल जाती है। उसके घर पे जाती है सृष्टि घर पे, उसके उसका बेल बजाती है और दरवाजा उसके पापा खोलते हैं। उसके पापा कुछ बोलते नहीं, ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर से उसको ऐसी फीलिंग आती है कि अंकल मुझे देख के खुश क्यों नहीं हो रहे। उसके बाद जब अंदर एंटर, अंकल बोलते ठीक है अंदर आओ, अंदर जाती है जो उसकी मम्मी थी सृष्टि की, ये इसको दीप्ति को गले लगा के जोर जोर से फूट फूट के रोने लगती है, बहुत ज्यादा रोने लगती है जोर जोर से। इसको समझ में नहीं आता कि बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, मेरे को देख के क्यों रो रही है ऐसे। उनको चुप कराती है, बोलती है आंटी चुप हो जाओ, मेरे को देख के क्यों रो रहे हो, क्या हो गया आप मुझे ऐसा देख के क्यों रो रहे हो, बहुत पूछती है। उसके बाद कैसे कैसे रोना उनका शांत होता है, उनके जो पति थे उनको पानी देते हैं, रोना शांत होता है। उसके बाद बताती है कि बेटा 2 महीने पहले सृष्टि की मौत हो गई, 2 महीने पहले। तो फिर जो इससे मिल रही थी वो मतलब सृष्टि की आत्मा थी। आगे सुनो उसके बाद क्या होता है, ये जब सुनती है ना दीप्ति की उसकी 2 महीने पहले मौत हो गई है, वहीं पर धड़ाम से गिर के बेहोश हो जाती है। क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था ये कि मैं इतने दिन से जब से आई तब से मैं मिल रही हूँ उससे। उस दिन हमारे दिवाली दिन लड़ाई भी हुई थी, उसने मेरे घर पे आने के लिए मना की थी। तो आखिर ये चल क्या रहा था मेरे साथ, क्या चल रहा था। उसको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है। पानी वाली छिड़कते हैं उसके घर वाले, सृष्टि घर वाले। उसके बाद वो सोचती है कि मैं उसके घर वालों को बताऊं या नहीं बताऊं, उसको अच्छी फीलिंग नहीं आती है। वो सिर्फ इतना पूछती है क्या हुआ था, कैसे उसकी मौत हुई थी।
उसकी मम्मी बताती है कि आज से 2 महीने पहले नदी पे अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गई थी वो, मतलब स्कूल की छुट्टी होती, उसके बाद वो लोग ऐसे टाइम पास करने गए थे नदी की तरफ खेलने वेलने के लिए, पता नहीं क्या हुआ कैसे उसका पैर फिसला और वो नदी के अंदर गिरी, पत्थर पे सिर लगा उसका और वो बहुत सीरियस कंडीशन में आ गई थी। वो सीरियस कंडीशन में आने की वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट किए, बड़े हॉस्पिटल में लेके गए, दिखाए, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया था कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और चांस नहीं है कि हम इसको बचा सकते हैं। जितने दिन ये बच पाए वो बहुत बड़ी बात है। उसके घर वालों के लिए बहुत गम का पहाड़ टूट गया उनके ऊपर कि ये क्या हो गया, अपने दोस्तों के साथ खेलने घूमने ही तो गई थी और उस दिन बिना बताए गई थी वो, अपने दोस्तों के साथ ऐसे स्कूल से निकल गई थी घूमने के लिए और कैसे गिरी क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब भी एक दो बार होश में आई थी वो, उसने सृष्टि ने बोली थी कि मम्मी दीप्ति को बुला दो, मुझे उसके साथ दिवाली मनाना है इस साल, वो पता नहीं मैं उससे मिल पाऊंगी नहीं मिल पाऊंगी, उसको बुला दो मैं थोड़ा मिल लूँ उससे, मुझे उसके साथ दिवाली सेलिब्रेट करना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी चीज़ें खाना, यही बात बोलती थी जब तक वो जिंदा थी। उसकी मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, लेकिन उसकी मम्मी पापा इतने गम में चले गए थे कि वो लोग दीप्ति को बुलाना भी सही नहीं समझे और कॉल करना भी सही नहीं समझे। उनको ऐसा लगा कि हम क्या करें, और उनको ये भी लग रहा था कि अगर दीप्ति को पता चला कि इस हालत में सृष्टि, तो वो भी गम में जा सकती है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत गहरी दोस्ती थी उनकी। उसकी मम्मी बताती है तो उसके पैर की नीचे ज़मीन खिसक जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि ये मेरे साथ इतने दिन से क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। वो बिल्कुल रो रही थी, वो हक्की बक्की हो गई, उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। लेकिन दूसरे दिन उनकी फ्लाइट थी वापस गोवा जाने की, वो अपने दादी से कुछ डिस्कस नहीं करती और किसी से कुछ डिस्कस नहीं करती है, किसी को कुछ नहीं बताती है। दूसरे दिन फ्लाइट थी, उस दिन खाना वाना भी उसका खाना वाना बंद हो गया था, सबको लगा कि शायद दिवाली में बहुत मस्ती करने से बीमार हो गई होगी, थोड़ी बीमार टाइप रहने लगी थी। दूसरे दिन उसकी फ्लाइट की टिकट रहती है, उस दिन अपने मॉम डैड के साथ बैठती है फ्लाइट में और वो गोवा पहुँच जाती है। गोवा पहुँचने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा गम में रहने लगी थी। गोवा पहुँचने के एक दिन बाद उसको ऐसा मतलब सपना आता है या क्या है कुछ क्लियर नहीं हुआ, उसको ऐसा दिखाई देता है कि सृष्टि मेरे बेड के सामने दरवाजे के पास खड़ी है और मुझे देख के ऐसा स्माइल कर रही है, ऐसा स्माइल कर रही है। मैं उसको देख के डर जाती हूँ, ये तो जिंदा नहीं है, ऐसा स्माइल कैसे कर रही है मेरे पास खड़े होकर, ये सब कुछ मैं सोच ही रही हूँ, अभी देख ही रही हूँ, स्माइल की है और वहाँ से दरवाजे से बाहर निकली और दरवाजा ऐसे ही लगा दी है, दरवाजे से लगा के बाहर निकल गई। उसके बाद अचानक से उसकी आँख खुलती है और उसको समझ में नहीं आता कि सपना था या सच था, उसको ये समझ में नहीं आता है। वो वापस से बहुत सोने की कोशिश करती है लेकिन सो नहीं पाती, उसको नींद नहीं आती है। सुबह सुबह उसके मॉम डैड के चिल्लाने की वजह से उसकी आँख खुलती है, उसके मॉम डैड चिल्लाते हैं कि ये जो बाहर का दरवाजा ये किसने रात में खोल दिया, तो हम लॉक करके सोए थे, जो बाहर का मेन दरवाजा मेन डोर था वो। तो अब दीप्ति को क्लियर हो जाता है कि वो मेरा सपना नहीं था, सृष्टि सच में मुझसे मिलने आई थी, क्योंकि मॉम डैड कभी भी मेन दरवाजा बंद किए बिना सोते नहीं है और वो लोग बोल रहे हैं हम बंद कर सोए थे, किसने खोल दिया, उसको अब कंफर्म हो गया था। उसके बाद जाके वो अपने मॉम डैड को बताती है कि मैंने ये एक्सपीरियंस की वहाँ पे वसई में जब गए हुए थे और ऐसा कुछ फील किए। उसके बाद सृष्टि कभी उसके सपने में नहीं आती, कभी उसको दिखाई नहीं देती है। शायद वो यही बताने मतलब एक तरीके से उसकी मृत्यु हो गई थी और वो अपनी दोस्त से नहीं मिल पाई थी ना मरने से पहले, तो वो रीजन है कि उसकी आत्मा भटक रही थी और मिलने के लिए आई थी, मिलने के लिए आई, मिली, उसके साथ टाइम स्पेंड की और फिर वो चली भी गई। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, कई बार लोगों की आखिरी इच्छाओं की वजह से मरने के बाद भी वो इस दुनिया में बने रहते हैं, भटक रहे होते हैं। जब उनकी वो इच्छा पूरी होती है तभी वो इस दुनिया से अलविदा कह के रियल में निकल पाते हैं। ये बड़ी ही एक इमोशनल स्टोरी कह सकते हैं, इमोशनल हॉरर स्टोरी, जो कि बहुत ही कम घटनाएं ऐसी होती है लेकिन होती है तो झंझोड़ कर रख देती है। उम्मीद करते हैं कि दीप्ति की जिंदगी में अब सब कुछ ठीक होगा और आगे भी ठीक ही रहेगा। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, तो हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।